तो हेलो गाइस, की हाल चाल बढ़िया सब। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं भाई बी एंड डी ड्राइव। और गाइस इसकी वीडियो मैंने एक और भी डाली थी, और वो वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि हमने भाई एक रोलर था, ठीक है, हग रोलर बोलते हैं उसको, उससे भाई कारों का यहाँ पर क्रैश कराया था। और आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आज भाई आज ना ये अब कार देख रहे हो पीछे, मतलब ये तो भाई कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ पर और भी कार यहाँ पर स्पॉन करा लेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा कार अगर मैं भाई स्पॉन कराऊंगा ना तो यार यहाँ पे गेम भाई थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है, क्योंकि आपको पता है भाई हमारे भाई का भी लो पीसी है, तो इस वजह से, तो इसी मेरे को मतलब इसी वजह से मैंने ज़्यादा कार्स को स्पॉन नहीं कराया। तो भाई अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ से गाइस हम करने के वाले कि आप देख रहे हो यहाँ से भाई स्टेयर्स, मतलब इतनी सारी भाई स्टेयर्स हैं, और यहाँ से हम कार को सीधा जंप कराने वाले हैं, और देखते हैं कि भाई कौन सी कार की मतलब कितनी बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि यार ये ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बी एन जी ड्राइव के मतलब वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर भाई गाड़ियों के भाई क्रैश ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कार को सर्वाइव करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रियलिटी से एकदम जुड़ा हुआ है ये। क्योंकि यहाँ से भाई आप समझ सकते हो भाई, इतनी सारी सीढ़ियों से अगर कोई भी कार मतलब नीचे गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि कौन सी कार मतलब भाई कितना मतलब कितना सरवाइव करने वाली है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो कार है वो पता नहीं भाई कौन सी है, और अलग ही अलग यहाँ पे कार है, क्योंकि भाई ये फॉरेन कंट्री की कार है, आपकी इंडियन कार नहीं है, तो इसी वजह से मेरे को इनके नाम भी नहीं पता है। तो बस आप लोग भाई वीडियो का मज़ा लो यहाँ पे। तो गाइज लेट्स गो। तो सबसे फर्स्ट कार को भाई अभी हम यहाँ से सीधा भाई जंप कराने वाले हैं, और देखते हैं भाई इसके साथ में क्या होने वाला है। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर लेट्स गो। और भाई यहाँ पर कार हो चुकी है अपनी जंप, और अभी भाई पता नहीं भाई क्या होने वाला है यहाँ पर। और भाई साहब भाई सच में भाई इसके साथ मतलब इतना बुरा हाथ, मतलब ब्रोकन इंजन, पता नहीं क्या क्या भाई ब्रोक हो चुका है, मतलब क्या क्या डैमेज हो गया है। और भाई आप एक बार इस कार को देखो भाई, लुक एट दिस कार भाई, मतलब गाइस बिल्कुल मैंने जैसे बोला था कि भाई ये रियलिटी से एकदम जुड़ा हुआ गेम है, तो ऐसा ही होगा भाई। अगर किसी कार को मतलब सीढ़ियों से भाई कुदाओगे ना, वो भी भाई ऐसे जो कंटेनर है बड़े बड़े, ये आपको पता ही होगा कि जो अपनी सामान की शिपिंग वगैरह में काम आते हैं, तो उस कंटेनर की स्टेयर्स बनी हुई है। और भाई अगर इतनी ऊंचाई से अगर कोई कार गिरती है ना भाई, तो उसका कुछ ऐसा हाल यहाँ पे होता है। और अभी फटाफट से नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। तो भाई ये ब्लू कलर वाली कार है, और ये नहीं भाई चेंज करते हैं इसको। तो भाई यहाँ पे ये वाली येल्लो कार भाई चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मस्त लग रही है ये वाली कार, वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मेरे को लग रही है। और इसका नाम पता नहीं क्या, ग्रेविल करके कुछ नाम है उसका। तो भाई अभी इसका हाल मतलब इतना बुरा होने वाला है ना भाई, मैं मतलब गैस करके बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता इसके साथ अभी क्या होने वाला है। और यहाँ पे कार ये भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड कर रही है, मतलब चल भी नहीं पा रही है यार यहाँ पे सही से। तो अभी देखते हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई यार मतलब भाई ये गाड़ी भाई चल भी नहीं पा रही है ठीक से, मेरे को लग रहा है ना कि सीधा सीधा ना जाएगी, क्योंकि यार ये आप देख सकते हो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर भाई हमें तो सीधा यहाँ से जंप करानी है। और भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ये कार तो स्टेयर्स पे गई नहीं और सीधा नीचे जाने वाली है, और मेरे को नहीं पता इसके साथ क्या होगा। ओ भाई कसम से गाइस, मतलब भाई अगर इतनी ऊंचाई से अगर कोई कार गिरती है ना भाई, तो उसका हाल कुछ ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब भाई साहब एक बार आप इसका हाल देखो भाई, पूरी कार ख़त्म हो गई है, मतलब टीन का डब्बा भी नहीं बचा है भाई। टीन का डब्बा होता है ना वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, पर ये तो वो भी नहीं है। इसके कुछ पार्ट्स इधर उधर जाके गिरे हैं, जैसे कि डोर हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो भाई। ये साइलेंसर पड़ा है, ये कुछ साइलेंसर का पार्ट ये पड़ा है, मतलब भाई साहब गाइस भाई कुछ ऐसा हाल है भाई अपनी ये येल्लो कार का। और इसको देख के मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा भाई बुरा सा लग रहा है, और हंसी भी आ रही है। और सोचो यार अगर इसमें कोई बंदा अगर बैठा होता भाई, तो उसके साथ में क्या होता। तो गाइस कुछ ऐसा हाल है अपनी इस वाली कार का। तो अभी नेक्स्ट कार को जंप कराते हैं ऊपर से। तो गाइस नेक्स्ट कार जो अपनी है ये है भाई पिंक सी, पर अभी हम इसको नहीं ले जाएंगे, आगे वाली कार को लेके चलते हैं। और ये भाई फार्मूला कार है आई थिंक से, तो हाँ इस वाली कार को लेके चलते हैं। वाइट कलर की कार है, और इस पर मोटोरिंग ड्राइविंग स्कूल करके कुछ लिखा हुआ है। तो भाई अभी हमें स्कूल तो नहीं जाना है, अभी हमें सीधे इस कार को नीचे जंप कराना है, और देखना है भाई कि इसके साथ में अभी क्या होने वाला है। और ये कार की कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और हॉर्न वॉर्न बढ़िया से काम करता है। तो यहाँ पर गाइस अपनी कार हो चुकी है जंप, और लेट्स सी भाई देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई ये गई पहली बार, और ये दूसरा टप्पा खाया इनने, और ये तीसरा, और भाई यहाँ पे चौथे टप्पे में भाई पूरी कार यहाँ पे ढेर हो चुकी है। और लिटरली भाई इसका हाल देखो यार आप लोग,
काइस अगर इसके अंदर भाई कोई बैठा होता ना तो भाई पक्का वो यहाँ से जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मतलब इतने खतरनाक तरीके से कार डैमेज हुई है यहाँ पे, क्लियरली आप देख सकते हो भाई पूरी कार एकदम खत्म है और इंजन में से धुआं निकल रहा है, और साइड में आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा कि क्या क्या पार्ट इसका डैमेज हुआ है। इंजन सेफ है आई थिंक से। ओ भाई कार स्टार्ट हो रही है भाई साहब। गाइस यहाँ पे भाई कार का इंजन वर्किंग कंडीशन में है, बस बंद हो गया था, और हॉर्न वगैरह देखते हैं तो हॉर्न भी बज रहा है भाई, ये अच्छी बात है। बाकी कार भाई पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, टायर वगैरह दोनों दो टायर इसके साइड के टूट चुके हैं और इधर के टायर बचे हुए हैं, बस मुड़ गए हैं वो इधर उधर। अब मतलब ये कार अब चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो भाई ये रही भाई अपनी ब्लू वाली कार, और भाई अभी मतलब इस कार को आप देख लो भाई, एकदम चमचमाती हुई ब्रांड न्यू लग रही है, और अभी इसके साथ में क्या होगा वो तो आप लोगों को पता ही है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है भाई। यहाँ से मैं उसको जंप कराने वाला हूँ फुल ऑन स्पीड में, और हॉर्न वगैरह बढ़िया से काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर अपनी कार हो चुकी है जंप, और अभी भाई ये चमचमाती हुई कार की बैंड बनने वाली है, और ये पहला टप्पा खाया, और भाई साहब गाइस यहाँ पे भाई इसके आगे के दोनों टायर निकल के इतनी दूर जाके गिरे हैं, और कार अभी भी मतलब रोल करते करते गिर रही है। और भाई साहब यहाँ पे गाइस इसके साथ तो बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है, मतलब ये कार भाई कागज़ की तरह फट सी गई है भाई, लिटरली भाई। अगर इसके अंदर अगर मतलब इमेजिन करो अगर कोई भाई बैठा होता तो उसके साथ में क्या होता भाई, उसके बॉडी के ऐसे चिथड़े से उड़ जाते जैसे भाई इसके साथ में हुआ है। मतलब ये कार तो भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई डैमेज हुई है, और आप देख सकते हो भाई पूरी कार ऐसे लग रही है जैसे कागज़, जैसे कागज़ किसी ने भाई हाथों से फोल्ड करके, मतलब एक होता है ना भाई कागज़ वेस्ट कागज़ को आदमी हाथों से फोल्ड कर देता है, मतलब बैस हो गई भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ से इसको एकदम मरोड़ दिया है भाई पकड़ के। तो भाई कितना ही खतरनाक सीन हुआ है इस कार के साथ में। तो यार गाइस देख सकते हो यार भाई मतलब बहुत ही गंदा सीन हो रखा है यहाँ पे, सच्ची बताऊँ। और इंजन देखते हैं भाई वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो गाइस इसका इंजन आई थिंक से जा चुका है, हाँ यहाँ पे भाई इंजन इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मतलब ये कार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी नहीं बची है। तो नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे भाई अपनी वो टूटी फूटी कार थी, तो भाई ये रही भाई ब्लू वाली कार, और आई थिंक से BMW की लग रही है, पर पता नहीं भाई कौन सी कंपनी की है, क्योंकि यार मैंने आपसे बोला है कि इस वाली गेम में भाई जो कार है वो अलग अलग कंट्रीज़ की हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी अपनी जानी पहचानी कार तो नहीं रहने वाली है, एक आधी होगी वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि यार आपको तो पता ही है तुम्हारे भाई को इंडियंस कार में इंटरेस्ट रहता है, बाहर की कंट्री की कारों में नहीं। तो भाई यहाँ पे भाई साहब ये तो भाई पूरी एकदम भाई फुटबॉल सी बन गई है, और भाई ये लो गाइस भाई ये वाली कार के साथ में भाई अलग ही सीन हो रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यार मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई कार यहाँ पे डैमेज हो रही है, और मतलब होंगी क्यों नहीं यार। आप एक बारी भाई ऊंचाई देखो, मैं आपको ऊंचाई दिखाता हूँ भाई कितना ऊपर है यार, अगर वहां से अगर कोई गिरेगा ना भाई तो पक्का भाई टूट टूट फूट तो होनी है। ओ भाई यहाँ पे क्या हो गया यार, तो गाइस कुछ ऐसा हाल है भाई अपनी कार का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ओ भाई यहाँ पे गाइस कितनी सारी कार हमने भाई जंप करा दी है। तो यार भाई अगर वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो ना तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आप लोग आजकल भाई वीडियो पर लाइक वगैरह नहीं करते। और बाकी अगर ये वाले जो गेम प्लेस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम भाई और भी ज़्यादा गेम प्ले बनाने वाले हैं। और भाई इसके टायर के नीचे कुछ आ गया कुछ चीज़, और भाई इसका तो टायर भी नहीं दिख रहा है मेरे को सही से, तो यार मुझको ना मेरे को फिर से पीछे चलाना पड़ेगा। और इसके टायर में यार कुछ तो नीचे फंस गया है, आई थिंक से किसी गाड़ी का कोई पार्ट है मेरे को ऐसा लग रहा है। जी हाँ भाई यहाँ पर कुछ किसी गाड़ी का कोई पार्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी भाई इसको टूट फूट ही होनी है, और देखते हैं भाई अभी क्या होने वाला है इसके साथ में। तो लेट सी, ओ भाई इसी का कोई पार्ट था, इसी का भाई साइलेंसर था, और ये लो भाई साहब भाई मतलब ओ भाई इसमें तो आग भी लग गई, इसके इंजन में आग लगी थी गाइस। और बस अच्छी बात तो ये है कि भाई इसका इंजन अभी तक तो चल रहा है, मतलब इंजन स्टार्ट है ठीक है, हॉर्न वगैरह काम कर रहे हैं, बाकी पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है, पर इंजन इसके वर्किंग कंडीशन में है, और चारों टायर के तो भाई पता ही नहीं है। यहाँ पे भाई टायर भी इसके मतलब अलॉय व्हील फट गए हैं इसके, और बाकी के टायर भाई पता नहीं कहाँ पे है। और ये भाई कार का भाई कुछ ऐसा हाल रखा है, मतलब भाई टीन का डब्बा बन गई है कार। तो यार भाई काफ़ी ज़्यादा भाई ख़तरनाक गेम है,
आप लोगों को ये गेम भाई कैसा लगा मेरे को ज़रूर से बताना आपको कमेंट सेक्शन में। तो गाइस ये है भाई अपनी एक फार्मूला रेसिंग कार है, ठीक आई थिंक से मेरे को जहाँ तक लग रहा है, और भाई इसमें स्पॉइलर तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो लेट्स सी अभी इसके स्पॉइलर की भाई ऐसी तैसी करने वाले हैं हम, इसको पता नहीं है भाई क्या होने वाला है इसके साथ में। और भाई साहब मेरे को लग रहा है भाई इसके साथ में बहुत ही ख़तरनाक सीन होगा पक्का गाइस। और यहाँ पर कार ने पूरा फ्लिप मार दिया है और ये लो बूम भाई, इसका तो इंजन ही बंद हो गया। ओ भाई पूरी कार फोल्ड हो गई है। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे भाई सच्ची बताऊँ तो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक ना तरीके से ये वाली कार गिरी थी, क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद भाई स्टेयर्स में टकराई थी और बूम हो गया गाइस यहाँ पे। तो अभी मैं भाई फटाफट से कुछ और कार को स्पॉन कर लेता हूँ, तब तक गाइस आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे मैंने भाई कुछ गाड़ियों को और कुछ मतलब बड़ी बड़ी बस ट्रक को भाई स्पॉन और कर लिया है, क्योंकि यार अभी आपको पता ही है सारी चीज़ें भाई एक साथ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई गेम क्रैश होने के बहुत ज़्यादा है भाई चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी मेरे को भाई ये चीज़ें बारी बारी से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप भाई देख सकते हो यहाँ पे एक बस मैंने क्या स्पॉन करी है और यहाँ पे एक जो कार है, और भाई फिर अपने पास ये मतलब कुछ फनी व्हीकल भी है। ये भाई थ्री व्हीलर देख रहे हो भाई, ऑटो के टाइप एकदम, अपने इंडिया में ऑटो भाई ऐसे थ्री व्हीलर होते हैं, पर यार ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मेरे को लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कार वाला लुक दिया है इसको। और बाकी इधर यहाँ पे कार है जो कि फार्मूला कार है, और फिर एक नॉर्मल कार है, फिर कुछ ट्रक वगैरह मैंने यहाँ पे स्पॉन कर रखे हैं। तो गाइस अभी फटाफट से भाई इनको भी कराते हैं, मतलब सीधा जंप कराते हैं। तो सबसे पहले भाई इस कार को हम यहाँ से जंप कराने वाले हैं और देखते हैं मतलब कि भाई इसके साथ में क्या होने वाला है। मतलब अभी तक तो सबसे ज़्यादा भाई बताऊँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा भाई मज़ा आया था भाई इस वाले गेम में कंपेरिजन टू GTA 5 में, क्योंकि GTA 5 में कार उतनी अच्छे से डैमेज नहीं होती जितने अच्छे से इसमें होती हैं। और भाई जिनको कार क्रैशेस देखना पसंद है ना भाई, वो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं भाई इस वाले गेम की सीरीज़ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बस आप लोग का अगर अच्छा सपोर्ट बना रहा तो। और यहाँ पर भाई भी बात करें इस कार की, तो भाई इस कार की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि भाई कंपनी वाले भी देख के कहेंगे भाई कहाँ से इसका सत्यानाश लगा के आया हो। मतलब यार भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ना ये भाई, इतनी सारी स्टेयर से भाई कार को नीचे गिराओ और भाई उसका हाल कुछ ऐसा हो सच में गाइस। और इसका भाई इंजन वगैरह भी डैमेज हो चुका है साइड में, मेरे को दिख रहा है आई थिंक से, हाँ इंजन इसका वर्किंग नहीं कर रहा है, हॉर्न वगैरह आई थिंक से बज रहे होंगे। बाकी ओवरऑल पूरी गाड़ी भाई ख़त्म है, बिल्कुल नाम और निशान नहीं है भाई, अभी तो समझ में भी नहीं आएगा ये कौन सी कार थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है भाई अपनी फार्मूला कार, छोटी थी भाई, अभी देखते हैं भाई इसके साथ में क्या होगा भाई, इसमें तो कुछ है भी नहीं भाई, इसमें होगा क्या भाई, ये तो शुरू होते ही लग रहा है ख़त्म ना हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है, लेट्स सी। और भाई यहाँ पे अपनी कार हो चुकी है जंप, और भाई ये गया फर्स्ट अटैम्प्ट। ओह भाई इसके तो टायर ही निकल गए भाई, एक ही झटके में दो टायर निकल गए, और एक टायर टूट चुका है, ऑलमोस्ट टूट गया है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई वो पूरा झूल रहा है, जो एक टायर है ना आगे वाला वो पूरा झूल रहा है, और आई थिंक से अब अलग भी हो जाएगा। ओ भाई चारों टायर उड़ गए, बस गाड़ी जो फार्मूला कार है ना भाई उसकी बस बॉडी बची है, बाकी मतलब इसमें था भी कुछ नहीं, और इंजन इसका अभी तक वर्किंग कंडीशन में है। नहीं भाई इंजन स्टार्ट है पर एक्सीलेटर वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि आई थिंक से एक्सीलेटर वायर वगैरह सब टूट गए होंगे, और इसके टायर वगैरह तो गायब भी हो गए भाई, पहले झटके में दो टायर निकले, फिर लास्ट में चारों टायर गायब हो गए, और उसमें कुछ था भी नहीं इतना खास जो उसमें कुछ डैमेज होता। तो भाई ये है भाई अपनी फार्मूला कार का हाल। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, यार ये नेक्स्ट कार तो नहीं है भाई, अपना टेम्पो है छोटा सा, और भाई इसको थोड़ा आराम से मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ भाई ये शुरू होते ही भाई ख़त्म हो जाए। इसको भाई हमें सीढ़ियों से नीचे जंप कराना है यार, देख रहे हो भाई कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम छोटा सा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा ये। तो भाई इसको सीधा करते हैं और लेके चलते हैं इसको नीचे, और देखते हैं भाई इसके साथ में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है फ़नी सीन रहने वाला है इसके साथ। और भाई इसमें भी हॉर्न है यार, काम भी करता है, और भाई यहाँ पर फुल ऑन स्पीड से नीचे जाते हुए अपना टेम्पो, और भाई बूम। ओह भाई साहब गाइस इसका इंजन डैमेज हो गया, क्योंकि ये जो टेम्पो था ना भाई वो आगे से ही गिरा था, और सीधा पूरा जो उस पर फोर्स था भाई वो इंजन पे लगा, और इंजन बंद हो गया इसका, और बाकी तो इसमें आगे वाला टायर टूट गया है और आगे से ख़त्म है, पीछे का पोर्शन पूरा खुल गया है। मतलब यार
भाई असली जो कार क्रैश का टेस्ट का मजा है ना भाई, वो इस गेम में है। सच्ची बताऊं तो काश भाई अपने इसमें इंडियन कार भी आ सकती तो यार बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजा आता, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है भाई अपने यहाँ पे ये ट्रक। तो भाई देखते हैं यार इस ट्रक के साथ में क्या होगा। भाई क्या लगता है गाइस आपको, क्या होगा भाई इस ट्रक के साथ में क्या होगा यहाँ पे? तो देखते हैं यार क्या होगा। इसको बड़े आराम से मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है ना, इसी वजह से बहुत ही केयरफुली भाई निकालेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो अपना ट्रक है भाई वो चैलेंज, मतलब चैलेंज कह रहा हूँ भाई, जो अपना टास्क है उससे पहले ही डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर अपना ट्रक हो चुका है रेडी, और एकदम फुल स्पीड में चला रहे हैं हम इसको, पर इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, और इसमें हॉर्न भी नहीं है। भाई कितना घटिया ट्रक है यार ये, और कितना स्लो है। तो भाई कितना भी स्लो हो, अभी इसकी बैंड तो बजने वाली है। ओ भाई साहब, भाई इसका इंजन गया, और ट्रक यार उतना ज़्यादा स्पीड से गिरा नहीं, पर फिर भी भाई काफ़ी अच्छा डैमेज हुआ है इसमें। आप देख सकते हो आगे का कैबिन पूरा ख़त्म है, पीछे से भी पूरा डैमेज हो गया है, और इंजन तो इसका पहले जा चुका है। और गैस करो, मतलब भाई गैस गैस करो भाई, मतलब इमेजिन करो अगर इसके अंदर भाई कोई बैठा होता तो उसकी कितनी बुरी हालत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना खतरनाक तरीके से भाई इसके डैमेज हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब, तो भाई कुछ ऐसा हाल है भाई इतने बड़े ट्रक का। तो अभी फटाफट से बढ़ते हैं ना नेक्स्ट, जो कि है भाई ये वाला ट्रक, ये मिनी ट्रक है भाई। देखते हैं इसके साथ में क्या होगा, लेट सी। इसमें मतलब उस वाले ट्रक के कंपेरिजन अच्छा, मतलब एक्सीलेट वो है स्पीड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा तक नीचे तक जाएगा उससे आई थिंक से, और मेरे को नहीं दिख रहा है भाई वो नीचे वाला ट्रक बो रहा, पर टेम्पो बो रहा भाई अपना। ओ भाई इसका भी भाई इंजन गया, और पूरा ट्रक भाई खुल गया है। वो ट्रक खुल क्या गया है, इसका पीछे का जो लोडिंग वाला एरिया था वो पूरा अलग हो चुका है, और एक टायर भी टूट गया पीछे का भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई भाई इसकी तो चेचिस वेचिस पूरी, मतलब कैबिन वबिन सब उखड़ गया भाई। ओ भाई इसमें तो भाई सिर्फ चेचिस ही बची है, और बाकी के पार्ट पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं इसके। तो भाई बहुत ही खतरनाक, अभी तक का सबसे खतरनाक भाई इस ट्रक के साथ में हादसा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, इंजन भी नहीं आई थी, आधा इंजन पता नहीं कहाँ है आधा कहाँ पड़ा है, बस चेचिस ही चेचिस बची है। कैबिन की पूरी गंदे तरीके से मतलब बच चुकी है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी बारी है अपनी बस की, तो देखते हैं भाई इस बस के साथ में क्या होगा। ओ भाई बस में हॉर्न भी है, बज रहा है, पर उतना अच्छे से सुनाई नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई साहब यहाँ पे अपनी बस नीचे जा चुकी है। ओ भाई गलत ही सीन। ओ भाई गाइस ये बस अगर फुल ऑन नीचे तक गई ना तो मेरे को लग नहीं रहा है कि बचने वाली है, पर ये अपने ट्रैक से थोड़ा सा अलग जा रही है शॉर्टकट मार के, और जैसे कि मैंने बोला था भाई शॉर्टकट मार दिया है इस बस ने, और यहाँ पे नीचे जाते हुए फुल ऑन स्पीड से, और बूम भाई यहाँ पे अपनी बस तो भाई पूरी मतलब ख़त्म है भाई, पूरी बॉडी वॉडी पिचक गई। अगर इसके अंदर भाई लोग बैठे होते तो बहुत ही खतरनाक सीन होता भाई, सबसे ज़्यादा खतरनाक बस हादसा होता है ये अब तक का। यहाँ पे भाई देख सकते हो यार कि बस की हालत भाई बिगड़ गई है, और ये अब किसी भी एंगल से बस तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है यहाँ पे। तो भाई कुछ ऐसा हाल है अपनी बस का। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट है भाई अपना ये ट्रक। तो देखते हैं भाई इसके साथ में क्या होता है। टॉप टायर ट्रांसपोर्ट, पता नहीं क्या लिखा है, टॉप टीयर ट्रांसपोर्ट है। देखते हैं भाई कितना ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, मतलब कितना सरवाइव करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपना जो ट्रक है भाई फुल बूम बाम होने वाला है अभी इसके साथ। ओ भाई इंजन गया इसका। ओ भाई पीछे का जो लोडिंग एरिया था वो एकदम से गायब। ओ भाई कैबिन उखड़ गया पूरा, इंजन भी उखड़ने वाला है आई थिंक से, आई थिंक से भाई इंजन भी उखड़ सकता है इसका बस इसमें। ओ भाई इंजन गया नहीं, अभी भी चिपका हुआ है भाई, इंजन पूरा उखड़ गया, और बस चेचिस चेचिस बची है इसकी, एक टायर उखड़ गया इसका। ओ भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं बचा गाइस इसमें तो।
टायर भी एक फट गया इसका। तो अभी बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट नेक्स्ट आ जा। ये रहा भाई अपना ट्रक, लास्ट है गाइस। देखते हैं भाई इस ट्रक के साथ में क्या होगा, तो लेट्स सी। ओ भाई साहब, अबे बहुत ही स्लो है यार ये ट्रक तो। मुझे लगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी, पर उतनी नहीं है यार जितनी मैंने सोची थी। देख सकते हो भाई कितना स्लो चल रहा है मतलब ये ट्रक है यार। ज़्यादा नीचे तक आई थी इसे जाने वाला नहीं है। तो देखते हैं कितने नीचे तक जाएगा, और इंजन पक्का डैमेज होने वाला है इसका। हाँ मैंने जैसे कि बोला था इंजन, क्योंकि इसकी कैबिन भाई उखड़ गया, फर्स्ट टाइम में पूरा कैबिन उखड़ नहीं गया है बल्कि पीछे आ गया है। ओ भाई गलत ही सी, पूरा ट्रक भाई कबाड़ बन गया भाई। इंजन विंजन सब गायब हो गए, मतलब चेचिस में कुछ भी नहीं है, बस एक पीछे छोटा सा फ्रेम बचा है और बाकी कुछ भी नहीं है। लो भाई टायर भी एक जो था वो उखड़ गया। और भाई ये ट्रक में भाई कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली भाई कुछ भी नहीं है यार गाइस। इसका इंजन विंजन पता नहीं कहाँ कहाँ पार्ट पड़े, और कुछ पार्ट तो अभी नीचे आके गिर रहे हैं, वो देख सकते हो भाई वो रहा। तो गाइस ये भाई अपनी कार है जो कि बहुत ही गंभीर हालत में है, और ये अपनी फार्मूला है। भाई नाव लग रही है मेरे को, एक बोट लग रही है, कार तो किसी एंगल से नहीं लग रही। और ये भाई अपना टेम्पो खड़ा है, और ये भाई अपना ट्रक है। ये ट्रक उतना डैमेज नहीं हुआ कंपेरिजन टू अदर ट्रक, और ये वाली भी भाई इसमें भी कुछ नहीं बचा है। और ये बस है, और ये लास्ट में था अपना भाई ट्रक जिसकी भाई चेचिस वेचिस सब उखड़ गई और कुछ भी नहीं बचा है। मतलब नहीं, इसमें तो इंजन है, वो ट्रक शायद आई थिंक से दूसरा था। ये रहा भाई, भाई कार मतलब कार ट्रक को समझ भी नहीं आ रहा है कौन से क्या चीज़ है, मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं है तो भाई समझ में क्या आएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ गाइस अगर ये वाली सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है तो मेरे को ज़रूर से बताना, हम और भी ज़्यादा भाई इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब कार्स के साथ में और ट्रक वगैरह के साथ में, और काफ़ी अलग अलग तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे को डेफिनेटली भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये जो गेम की सीरीज़ आगे हम कंटिन्यू करें या नहीं। और बाकी GTA 5 की वीडियोज़ तो आती रहेंगी अपने चैनल पर। तो बस मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।